हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आईपी हेडर के बाकी के कुछ फील्ड्स यहां पर देखने वाले हैं। ये जो सेकेंड रो वाले जो फील्ड्स है, आइडेंटिफिकेशन फील्ड्स, फ्लैग्स एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, आज हम इन तीन फील्ड्स के बारे में समझने वाले हैं। दोस्तों, ये जो तीन फील्ड्स है वो एक कंसेप्ट के साथ जुड़े हुए, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो आओ मैं पहले आपको समझाता हूँ फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, क्यों होता है, एंड देन I will explain you the significance of these three things. तो आओ समझते हैं what is fragmentation and why it is needed. तो so the size of a frame depends on the protocol used by the physical network. मतलब physical network मतलब जो data link layer का जो network हम use करते हैं उसमें एक fixed size होती है frame की। और क्योंकि frame की एक fixed size है तो वो उसके upper layer के protocol की भी fixed size रखता है। मतलब नीचे डेटा लिंक लेयर में आप जो भी फिजिकल नेटवर्क यूज करते हो वो बताता है कि आपके नेटवर्क लेयर का जो कोई पैकेट आए उसकी मैक्सिमम साइज ये होनी चाहिए। ठीक है, सो द मैक्सिमम साइज दैट इज अलाउड बाय फिजिकल नेटवर्क फॉर नेटवर्क लेयर इज कॉल्ड मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। नाउ इट बिकम्स नेसेसरी टू डिवाइड द पैकेट इफ द साइज ऑफ आईपी पैकेट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, मान लो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है 1000 bytes और अगर आपका पैकेट 3000 bytes का है, then it becomes necessary to divide that packet into few parts in such a way that one part size of one part must not be greater than 1000 bytes. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस, दिस डिविजन प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। दोस्तों, ये फ्रेगमेंटेशन ये आइदर सेंडर करेगा और राउटर करेगा। मान लो अगर सेंडर को पता है कि उसके आगे जो फिजिकल नेटवर्क यूज होने वाला है और उसकी एमपीयू उस सेंडर को पता है, तो वो पहले से ही सेंडर उसके पैकेट्स को उस पर्टिकुलर साइज में डिवाइड करके भेजेगा। लेकिन मान लो सेंडर को पता नहीं है कि उसके आगे डेटा लिंक लेयर में जो फिजिकल नेटवर्क कौन सा यूज होने वाला है, उसकी एमपीयू क्या है, सेंडर को नहीं पता है, तो सेंडर अपने हिसाब से पैकेट को भेजेगा। और जब कभी भी किसी राउटर जो जो उस पर्टिकुलर फिजिकल नेटवर्क के साथ जो वो राउटर कनेक्टेड है, वो राउटर फिर ये फ्रेगमेंटेशन करेगा। ठीक है, सो इट इज डन बाय आइदर द सेंडर और अ राउटर। नाउ इफ द फ्रेगमेंट्स आर डिवाइडेड, आप समझिए कि एक पैकेट है उसको आपने डिवाइड कर दिया अलग अलग फ्रेगमेंट्स में, देन इट बिकम्स नेसेसरी कि रिसीवर साइड पे ये जब फ्रेगमेंट्स आए तो रिसीवर उन्हें कंबाइन करके वापस जो ओरिजिनल पैकेट थे वो बना दे और फिर वो ओरिजिनल पैकेट ट्रांसपोर्ट लेयर को दे दे। सो ट्रांसपोर्ट लेयर को ये फ्रेगमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ ये पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर मस्ट बी अनअवेयर अबाउट वेदर द फ्रेगमेंटेशन हैज बीन अकर्ड और नॉट। ठीक है, तो सेंडर साइड के ट्रांसपोर्ट लेयर ने नेटवर्क लेयर को जो पैकेट दिया था वही चीज रिसीवर साइड का नेटवर्क लेयर रिसीवर साइड के ट्रांसपोर्ट लेयर को देना चाहिए। तो अगर वो फ्रेगमेंटेशन हुआ है देन रिसीवर मस्ट कंबाइन दोस फ्रेगमेंट्स टू मेक द ओरिजिनल पैकेट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअसेंबली एंड दिस रीअसेंबली इज ओनली परफॉर्म्ड बाय द अल्टीमेट रिसीवर। द रीअसेंबली इज ओनली परफॉर्म्ड बाय द डेस्टिनेशन एंड डिवाइस। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फ्रेगमेंटेशन कैन बी डन बाय सेंडर और राउटर बट reassembly can only be done by the receiver or that is nothing but the destination end device. ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो पैकेट है वो यहाँ से यहाँ नीचे आता है और जब आईपी हेडर और आईपी डेटा ये कंबाइन होकर नीचे जाता है तो उसकी एक साइज फिक्स्ड होती है, उससे ज्यादा उसकी साइज नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ठीक है, मान लो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है दैट इज द मैक्सिमम साइज अ पर्टिकुलर नेटवर्क लेयर कैन सेंड टू द डेटा लिंक लेयर। ठीक है, अभी ये मेरा मेरा जो आईपी डेटाग्राम है उसकी साइज इससे ज्यादा है, देन आई हैव टू फ्रेगमेंट इट। ठीक है, देखो दोस्तों ये अलग अलग फिजिकल लेयर के नेटवर्क्स है और उसकी यहाँ पर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट यहाँ पर दिखाई गई है। दोस्तों हम जो यूज करते हैं वो इथरनेट यूज करते हैं और उसकी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट की साइज है 1500 byte। ठीक है, तो आओ एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं अच्छे से। मान लो ये मेरा ओरिजिनल पैकेट है जिसमें डेटा है मेरा 4000 byte का और मेरा हेडर है 20 byte का। तो मतलब ये पूरा जो डेटाग्राम बना
डेटाग्राम मतलब ये हेडर और ये डेटा, ये पूरा जो डेटाग्राम बना उसकी साइज हो गई 4020 बाइट। अब मान लो मैं इस पैकेट को भेज रहा हूँ, वो है इथरनेट, इथरनेट पे डेटा ट्रेनिंग लेयर पे इथरनेट यूज कर रहा है। अब उसकी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट की साइज है 1500 बाइट, और ये 1500 बाइट एक पर्टिकुलर डेटाग्राम के होने चाहिए, ठीक है। तो उस 1500 बाइट में आपका 20 बाइट का हेडर आ गया। अब दोस्तों ये जो पैकेट था वो डिवाइड होगा अलग अलग फ्रेगमेंट्स में, और ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स अपने आप में एक पैकेट है। ये अलग अलग पैकेट या अलग अलग फ्रेगमेंट्स अपना खुद का पाथ चूज कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स ऐसा पॉसिबल है कि ये पैकेट जाए राउटर R1 के पास, ये जाए R2 के पास, ये जाए R3 के पास। तो ये जो पैकेट्स है वो अलग अलग रूट से होकर के डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। नाउ दे आर इंडिपेंडेंट पैकेट्स, ठीक है। अब नाउ सिंस दे आर इंडिपेंडेंट पैकेट्स, उन सबके अंदर आईपी हेडर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आईपी हेडर है उनके काफी सारे फील्ड्स यहाँ पर कॉपी होंगे, ये इसके काफी सारे फील्ड्स यहाँ पर भी कॉपी होंगे, इसके काफी सारे फील्ड्स यहाँ पर भी कॉपी होंगे, ठीक है। और ये जो डेटा है दैट डेटा विल बी डिवाइडेड इनटू फ्यू पार्ट्स। तो दोस्तों फिजिकल लेयर में अगर इथरनेट है पर जिसकी एमटीयू 1500 बाइट है, अब 20 बाइट का हेडर आ गया, तो हम डेटा के कितने बाइट्स यहाँ पर रख सकते हैं, 1480, ठीक है। सो आई हैव पुट द फर्स्ट 1480 बाइट्स हियर। अब बाकी के 1480 बाइट्स में यहाँ पर डाल रहा हूँ। अब 1480 प्लस 1480 दैट इज 2960, टोटल मेरा डेटा था 4000 का। तो अभी यहाँ पर लास्ट वाले फ्रेगमेंट में कितने बाइट्स आएंगे, 1040, ठीक है। तो पहले 1480 बाइट यहाँ पर गए, दूसरे 1480 बाइट यहाँ पर गए, और बाकी के जो बाइट्स बचे थे वो चले गए यहाँ पर। तो ये जो मेरा एक पैकेट था वो तीन अलग अलग पैकेट में डिवाइड हो गए, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज, अब मान लो ये पैकेट तीन अलग अलग फ्रेगमेंट में डिवाइड हुआ, अब मेरा सेंडर उसी रिसीवर को और एक पैकेट भी भेजना चाहता है, वो चार फ्रेगमेंट में डिवाइड हुआ, ठीक है। अब जब मैंने आपको बोला कि रिसीवर को फ्रेगमेंट्स को रिकम्बाइन करके ओरिजिनल पैकेट बनाना जरूरी है, अब ये इस पैकेट के ये तीन फ्रेगमेंट्स और दूसरा जो मैंने पैकेट बोला उसके मान लो चार फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, दूसरा जो पैकेट मैंने बोला उसके मान लो 1 2 3 4 फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, ये 4 और 7 फ्रेगमेंट अलग अलग पाथ पकड़ के रिसीवर तक पहुंचेंगे। अब मान लो रिसीवर ने इस पैकेट के दो फ्रेगमेंट्स को कंबाइन किए और दूसरे पैकेट के किसी तीन फ्रेगमेंट्स को कंबाइन कर दिए, सो इज इट वैलिड, नो। रिसीवर को कंपलसरी ये तीन फ्रेगमेंट्स कंबाइन करके ये पैकेट बनाना पड़ेगा और उसके चार फ्रेगमेंट्स कंबाइन करके वो वाला पैकेट बनाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंशिएट कैसे करेगा हमारा रिसीवर कि कौन से फ्रेगमेंट्स को कंबाइन करके मुझे एक पैकेट बनाना है और कौन से दूसरे फ्रेगमेंट्स कंबाइन करके वो दूसरा पैकेट बनेगा। तो दोस्तों उसी के लिए ये आइडेंटिफिकेशन फील्ड है। नाउ यू यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई द नेम ऑफ दिस फील्ड इज आइडेंटिफिकेशन फील्ड, बिकॉज इट आइडेंटिफाइज द रिसीवर विच फ्रेगमेंट्स ऑफ द पैकेट शुड बी रीअसेम्बल्ड इन टू अ पर्टिकुलर पैकेट, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन फील्ड दोस्तों 16 बिट का है। यहाँ पर हमारा सेंडर क्या करेगा, 16 बिट का एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा और वो रैंडम नंबर अपने पहले पैकेट में डालेगा, किसी डेस्टिनेशन को उसको जो सेट ऑफ पैकेट्स भेजने हैं उसके पहले पैकेट में रैंडम नंबर डालेगा और उसके बाद वाले पैकेट में इस आइडेंटिफिकेशन फील्ड की वैल्यू एक 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 इंक्रीमेंट होगी। मान लो वो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है 3840, मान लो वो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है 3840, ठीक है। तो मान लो इस पैकेट का वो आइडेंटिफिकेशन फील्ड की वैल्यू, सॉरी मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, मान लो इस पैकेट के जो आइडेंटिफिकेशन फील्ड है उसकी वैल्यू है मान लो 3884, जो हमारा ओरिजिनल पैकेट था उसके आइडेंटिफिकेशन फील्ड की मान लो रैंडम नंबर की वैल्यू आई 3884। नाउ व्हेन दिस पैकेट गेट्स फ्रेगमेंटेड, उन सभी फ्रेगमेंट्स के आईपी हेडर के आइडेंटिफिकेशन फील्ड की वैल्यू होगी 3884। तो इसकी वैल्यू भी 3884 होगी, इसकी भी 3884 होगी और इसकी भी 3884 होगी। अब मैंने दोस्तों बोला कि हमारा दूसरा पैकेट कि जो चार फ्रेगमेंट में डिवाइड हो रहा है, अब उसके आइडेंटिफिकेशन फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इससे एक ज्यादा होगी, दैट विल बी 3885। तो उसके जो चार फ्रेगमेंट्स बनेंगे उन फ्रेगमेंट्स के आईपी हेडर के आइडेंटिफिकेशन फील्ड की वैल्यू 3885 होगी, ठीक है। अब मेरे रिसीवर को पता चलेगा जिन फ्रेगमेंट्स के आईपी
आइडेंटिफिकेशन फील्ड की वैल्यू सेम है उसे कंबाइन करना है, और जिनके आइडेंटिफिकेशन फील्ड की वैल्यू सेम नहीं है उन्हें कभी भी कंबाइन नहीं करना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये आइडेंटिफिकेशन फील्ड क्यों यूज हो रहा है हमारे आईपी हेडर में उसका पता चल गया। नाउ यू शुड हैव वन मोर क्वेश्चन कि सर चलो हमारे रिसीवर को ये पता चल गया कि कौन से फ्रेगमेंट्स को कंबाइन करके पैकेट बनाना है वापस, लेकिन उसे अभी तक ये पता नहीं चला कि उसको कौन से ऑर्डर में कंबाइन करना है। ऐसा भी तो हो सकता है ये तीनों पैकेट अलग अलग पाथ में जाए और पहला पैकेट ये रिसीव हो, फिर दूसरा ये रिसीव हो और तीसरा ये रिसीव हो। अब रिसीवर जिस ऑर्डर में रिसीव हुए उस ऑर्डर में अगर कंबाइन करे तो अगेन हमारा डेटा गलत हो जाएगा, पहला डेटा ये आएगा फिर ये आएगा और फिर ये आएगा, जबकि पहला ये आना चाहिए दूसरा ये और तीसरा ये आना चाहिए। तो हमारे फ्रेगमेंट्स उसी ऑर्डर में कंबाइन होने चाहिए जिस ऑर्डर में वो फ्रेगमेंट हुए थे, तब जाकर ये ओरिजिनल पैकेट वापस बनेगा। तो किस ऑर्डर में कंबाइन करना है उसके लिए यूज होता है ये फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फिल। तो दोस्तों आओ समझते हैं ये फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फिल के बारे में। अब इस डायग्राम में दोस्तों आप देखिए कि जो हमारा ओरिजिनल पैकेट है जो सेंडर ने बनाकर भेजा है उसमें ऑफसेट की वैल्यू कोई नहीं होगी, उसमें ऑफसेट की वैल्यू होगी जीरो। अब ये ऑफसेट हमें क्या बताता है, ऑफसेट हमें उस पर्टिकुलर पैकेट के पहले बाइट का सीक्वेंस नंबर हमें बताता है। आप एक ये तरीके से सोच सकते हो, या दूसरा तरीका यह है, ऑफसेट हमें बताता है कि ये जो पैकेट है उसके आगे हमारे ओरिजिनल डेटा के कितने बाइट्स चले गए। मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों ये हमारा जो डेटा है उसमें कितने बाइट्स थे, 4000 बाइट थे। मान लो मैं उन सब बाइट्स को नंबरिंग कर दूं, ठीक है, पहला जो बाइट है उसको नंबर में दे देता हूँ जीरो, दूसरे बाइट को नंबर देता हूँ वन, तीसरे को देता हूँ टू, तो लास्ट वाले बाइट को नंबर क्या मिलेगा, 3999, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे 1480 बाइट हमने पहले पैकेट को दे दिए, तो मतलब कौन से नंबर वाले बाइट्स यहाँ पर गए, 0 से 1479 वाले बाइट्स यहाँ पर गए, ठीक है। तो हमारा जो पहला बाइट था उसका नंबर क्या है, जीरो, तो यहाँ पर ऑफसेट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब दूसरा पैकेट आप गिन लो, दूसरा मतलब 1480 से लेकर 2959 वाले बाइट्स हमने यहाँ पर डाले, टोटल 1480 ये, ठीक है, तो इसके ऑफसेट की वैल्यू क्या होगी, 1480। आप देख सकते हो पहले बाइट का नंबर 1480 है तो हमने यहाँ पर 1480 लिखा। या हम मैं दूसरे तरीके से समझाऊ तो इस पैकेट के ऑफसेट की वैल्यू क्या होगी, इस पैकेट के आगे अपने डेटा के जितने बाइट चले गए वो इस पैकेट में कितने गए, 1480 चले गए, तो यहाँ पर वैल्यू होगी 1480। अब यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, हमारे ओरिजिनल डेटा के 1480 बाइट यहाँ पर चले गए, दूसरे 1480 यहाँ पर चले गए, तो यहाँ पर वैल्यू होगी 2960। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया है, ये जो वैल्यू जीरो है, 1480 है, 2960 है, ये थोड़ी गलत है। क्यों गलत है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो दोस्तों हमारा पैकेट बहुत बड़ा है, 60,000 बाइट का हमारा पैकेट है। हमने देखा है कि हमारा आईपी का जो डेटाग्राम का पैकेट होता है वो 65,536 बाइट्स का हो सकता है। मान लो मेरा जो पैकेट है वो 60,000 बाइट्स का है। अगर मेरा पैकेट 60,000 बाइट का है और अगर 1500 बाइट में वो डिवाइड होता है तो ये 1480 बाइट यहाँ पर चले गए, दूसरे 1480 यहाँ पर चले गए। आप यू इमेजिन हमारा जो लास्ट फ्रेगमेंट होगा उसमें कौन से कहाँ से बाइट होंगे, 58,520 से लेकर के 60,000 तक बाइट्स होंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो अभी देखा ऑफसेट की वैल्यू क्या होगी, तो पहले इस पैकेट में वैल्यू होगी जीरो। अब इस पैकेट में क्या वैल्यू होगी, इसके आगे 1480 बाइट हमारे डेटा के चले गए तो यहाँ पर 1480 होंगे। जो हमारा लास्ट फ्रेगमेंट होगा उसके आगे कितने बाइट चले गए, 58,520, तो हमारे ऑफसेट की वैल्यू होगी, लास्ट फ्रेगमेंट के ऑफसेट की वैल्यू होगी समथिंग लाइक दिस, 58,520। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, कैन यू कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर 58,520 इनटू 13 बिट बाइनरी नंबर। दोस्तों आप देखो ये जो हमारा फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड है उसको कितने बिट्स दिए गए हैं, 13 बिट। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड को सिर्फ 13 बिट दिए गए हैं। यूजिंग 13 बिट्स व्हिच इज द मैक्सिमम नंबर यू कैन रिप्रेजेंट, इट इज 8192, ठीक है ना। 2 raised to 10 is 1024, 2 raised to 11 is
2048, 2 raised to 12 means 4096, and 2 raised to 13 means 8192. तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू 8191 हो सकती है, मतलब 0 से लेकर के 8191 तक ही हो सकती है. और जबकि मैंने यहाँ पर बोला इट शुड बी 58520, समझ रहे हो. तो इस इश्यू को रिमूव करने के लिए व्हाट साइंटिस्ट हैव गिवन द सॉल्यूशन, दे हैव गिवन द सॉल्यूशन व्हाट एवर नंबर कम्स हियर यू डिवाइड इट बाय 8. यहाँ पर जो भी नंबर आता है उसको 8 से डिवाइड कर देते. 0 डिवाइड बाय 8 विल बी 0, 1480 divided by 8 will be 185, 58520 divided by 8 will be 7315. देखो 7315 is less than 8192, तो हमें हमारा solution मिल गया. आप उसे ऐसे भी समझ सकते हो कि ये maximum 65000 यहाँ पर bytes हो सकते हैं, so 65000 is nothing but almost 2 raised to 16, तो हमारे last fragment में value almost 2 raised to 16 तक हो सकती है, लेकिन हम तो maximum 2 raised to 13 तक ही डाल सकते हैं. So if I divide 2 raised to 16 by 2 raised to 3, then it will become 2 raised to 13. ठीक है, तो 2 raised to 16 को मैं 2 raised to 3 means 8 से divide कर दूं, तो मेरे range में वो value आ जाएगी. तो ऐसा करने से इतना compulsory हो गया कि हम जो जिस size में package को fragment करें वो compulsory it should be divisible by 8. ठीक है, ये साइज कोई भी नहीं हो सकती. ये मैंने 1480 लिए तो 1480 आर डिविजिबल बाय 8, दैट इज व्हाई इट इज अलाउड. मेरे पैकेट की साइज अगर 8 से डिविजिबल नहीं है देन दैट पर्टिकुलर फ्रेगमेंट कैन नॉट बी, दैट फ्रेगमेंट इज नॉट अ वैलिड फ्रेगमेंट. ठीक है, सो ये रिस्ट्रिक्शन एक आया. आई होप आप समझे कि हमने इसे डिवाइड बाय 8 क्यों किया. ठीक है, तो हमारा जो ओरिजिनल पैकेट था जिसमें 4000 बाइट थे, तो 1480 यहाँ पर गए. ठीक है, तो पहले ये इसका ऑफसेट 0, इसका ऑफसेट 1480 डिवाइड बाय 8 दैट इज 185, और इसका ऑफसेट 2960 डिवाइड बाय 8 दैट इज 370. ठीक है, और एक एग्जांपल यहाँ पर समझाया गया है कि मान लो किसी पैकेट के 4000 बाइट है 0 से 4000 तक, तो पहले 1400 बाइट हमने यहाँ पर डाले, यहाँ के ऑफसेट की वैल्यू होगी 0. अब इसके इस फ्रेगमेंट के ऑफसेट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आगे 1400 बाइट चले गए, तो 1400 डिवाइड बाय 8 दैट इज 175. अब इसके फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की वैल्यू क्या होगी, 1400 प्लस 1400 दैट इज 2800 चले गए, सो 2800 डिवाइड बाय 8 350 होगी. ठीक है, अब ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारा जो ये ओरिजिनल पैकेट है मान लो 4000 बाइट का, वो अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट में वो फ्रेगमेंट हुआ है. यहाँ पर 1400 बाइट्स है इसमें, इसमें दूसरे 1400 बाइट है, और इसमें बाकी के जो बाइट्स हैं. अब ऐसा भी हो सकता है, ये मैंने जैसे बोला कि ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स अलग अलग पाथ फॉलो करते हैं, तो ये वाला फ्रेगमेंट है उससे वापस मुझे फ्रेगमेंट करना पड़े, मतलब ये वाला फ्रेगमेंट है किसी ऐसे नेटवर्क के अंदर चला गया जिसकी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट 1400 से भी कम है, देन ये फिर से फ्रेगमेंट होगा. और हमारे आप यहाँ पर देख सकते हो इस ओरिजिनल फ्रेगमेंट की आइडेंटिफिकेशन फील्ड की वैल्यू है 14567, तो वही वैल्यू यहाँ पर कॉपी हुई. और ये भी अगर वापस अलग अलग फ्रेगमेंट में फ्रेगमेंट हुआ है तो वही वैल्यू यहाँ पर कॉपी होगी. आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो पिंक कलर्ड है दैट इज फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट ऑफ आर ओरिजिनल पैकेट. यहाँ पर आप ऐसा इतना समझ लो कि किसी पैकेट अगर अलग अलग फ्रेगमेंट में डिवाइड होता है तो उसके पहले फ्रेगमेंट के फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की वैल्यू होगी 0. ठीक है, और उसके बाद वो इंक्रीज इन नंबर में बढ़ेगी. इसकी 175 या 350. अब ये वापस फ्रेगमेंट हुआ तो हो गई 175 और इसकी हो गई 275. अब ये चार पैकेट 1 2 3 4 रिसीवर के पास पहुंचते हैं. मान लो ये पहला पहुंचता है, ये दूसरा पहुंचता है, ये तीसरा और ये चौथा. रिसीवर उसे कौन से ऑर्डर में कंबाइन करेगा? रिसीवर विल कंबाइन देम. रिसीवर पहले आइडेंटिफिकेशन फील्ड से इनको कलेक्ट करेगा और फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसे कंबाइन करेगा, तब जाकर ये वापस ओरिजिनल पैकेट बनेगा. ठीक है, तो दोस्तों आप आई होप कि ये फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड क्यों है उसका इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ गया होगा. अब एक ही फील्ड बचता है जो कि है फ्लैग फील्ड, जो 3 बिट का है. ये 3 बिट 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं. ये है 3 पार्ट. ये है फर्स्ट बिट दैट इज अनयूज्ड, ये बिट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं. फिर है डी वाला बिट, 1 बिट का, उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1. फिर एम है, अगर उसकी वैल्यू अगर 0 हो सकती है या 1 हो सकती है. ठीक है, अब
डी मीन्स डू नॉट फ्रेगमेंट। अगर मैं किसी पैकेट को किसी सेंडर ने इस डी की वैल्यू वन करके रख दी है और अगर ये पैकेट किसी ऐसे राउटर के पास जाता है कि जिसकी एमटीयू इस पैकेट की साइज से कम है, तो क्योंकि इस पैकेट की साइज से कम है तो हमारे पैकेट को फ्रेगमेंट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे सेंडर ने इस डी में वन करके लिखा है मतलब डू नॉट फ्रेगमेंट, तो वो राउटर क्या बोलेगा, भाई तुझे मेरे एरिया में आना है तो तुझे डिवाइड होना पड़ेगा, लेकिन ये राउटर बोल रहा है भाई इसकी वैल्यू वन है तो यू कांट फ्रेगमेंट मी, तो राउटर क्या करेगा, राउटर विल ड्रॉप दिस पैकेट, राउटर विल नॉट फ्रेगमेंट इट, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू डी की वैल्यू है वन, अगर डी की वैल्यू है जीरो देन राउटर विल फ्रेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज एम, दैट इज मोर फ्रेगमेंट। ये मोर फ्रेगमेंट हमारे रिसीवर को समझाता है कि और आगे फ्रेगमेंट्स है, मतलब जो लास्ट फ्रेगमेंट होगा, मान लो कोई पैकेट चार फ्रेगमेंट में डिवाइड होता है तो सबसे लास्ट वाले फ्रेगमेंट में इसकी वैल्यू होगी जीरो, जीरो मीन्स नाउ देर आर नो मोर फ्रेगमेंट्स, आई एम द लास्ट फ्रेगमेंट, और लास्ट फ्रेगमेंट के अलावा जितने भी आगे फ्रेगमेंट्स होंगे उन सब में उसकी वैल्यू होगी वन, जो जो डिनोट करती है कि मेरे बाद और भी फ्रेगमेंट्स है। तो दोस्तों ये आप एग्जाम्पल समझो, चलो ये वाला हमने जो लिया था, इस ये पहला फ्रेगमेंट है, इसमें एम की वैल्यू होगी वन, इसमें भी एम की वैल्यू होगी वन, लेकिन इसमें एम की वैल्यू होगी जीरो। तो दोस्तों मेरे रिसीवर को पहला फ्रेगमेंट कैसे पता चलेगा, जिसके फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की वैल्यू है जीरो, वो हो गया पहला फ्रेगमेंट। लास्ट फ्रेगमेंट कैसे पता चलेगा, जिसमें एम फील्ड की वैल्यू है जीरो, वो बन जाएगा लास्ट फ्रेगमेंट, और बाकी सारे फ्रेगमेंट्स बीच के फ्रेगमेंट्स है, और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेरा रिसीवर उन्हें कंबाइन करके वापिस ओरिजिनल पैकेट बनाएगा। तो दोस्तों इतना था ये पूरे आईपी हेडर में, आई होप आपको आईपी हेडर के सारे फील्ड्स इंक्लूडिंग ये जो तीन फ्रेगमेंटेशन टॉपिक के साथ रिलेटेड जो है वो सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।